नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोटैटो हिंदी की एक नया समाचार पे आप सभी को दिल से स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की दक्षिण बंगाल में फिलहाल धूमधाम से कोल्ड पे आलू का रखना चल रहा है। कल 1 मार्च से बंगाल पे कोल्ड खुल गया है, तो आज कोल्ड का ग्राउंड रिपोर्ट करने मैं इस वक्त आ चुका हूँ पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले की जयपुर मुकाम की शिरोमणि कोल्ड स्टोरेज पे। तो यहाँ पे हमारे साथ देख रहे हैं कुछ किसान भाई साहब है, तो चलिए उनसे बात करके देख लेते हैं कि यहाँ पे आलू का क्या स्थिति है। नमस्कार दादा, माइक लीजिए। नमस्कार, बोलिए दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सृष्टि चरण खान। अच्छा, आज आपकी जयपुर मुकाम पे ज्योति आलू का क्या रेट बिक रहा है? ये सभी ज्योति है कि पुकड़ा? ये पुकड़ा ज्यादा है। आइए, आप लोग वहीं पे रुकिए। तो ज्योति का क्या रेट है और पुकड़ा का क्या रेट बिक रहा है? ज्योति का किसान लोगों का रेट है 600 रुपया पैकेट। अच्छा। और पुखराज में चलता है 510 से 520। कल से आज मार्केट क्या हाई है या डाउन हो गया है? कल से आज थोड़ा डाउन है, 10-20 रुपया पैकेट डाउन चल रहा है। अच्छा। मेनली इस जयपुर की कोल्ड स्टोरेज पे कौन कौन सी आलू रखे जाते हैं, कौन कौन सी वैरायटी का आलू रखे जाते हैं यहाँ पे? ज्योति आलू और पुखराज आलू दोनों किस्म रखते हैं। अभी पैदावार क्या कितना निकल रहा है? बारिश की पहले आपने ज्योति आलू का बुआई किया था? हाँ, बारिश का पहले ज्योति आलू जो बुआई हुआ था वो अभी वो बीघा में 90 से 100 पैकेट आता है। जो बारिश के बाद बुआई हुआ था उसका वो बारिश का बाद जो बुआई हुआ था वो अभी खुदाई नहीं चल रहा है, वो चलेगा 10 दिन बाद में। वो हमारा जो आइडिया लग रहा है बीघा में 60 पैकेट आएगा। आज आपने कितना पैकेट आलू इस कोल्ड में रखने के लिए लाए हैं? हम लाए 30 बोरा लाए हैं। ओनली 30 पैकेट? हाँ, ओनली ये ज्योति है। ज्योति आलू आपने लाके कोल्ड पे रख रहे हैं? हाँ, कोल्ड पे रख रहा है। अच्छा, सही रेट मिल रहा है कि नहीं? हाँ, अभी जो लगता है अभी सही रेट चल रहा है, यहाँ से कम हो जाएगा तो नुकसान में पड़ेगा। अच्छा, आपकी जयपुर पे तो मेनली दो कोल्ड स्टोरेज है। हाँ, कोल्ड स्टोरेजों का नाम बता दीजिए थोड़ा। वो जयगुरु कोल्ड स्टोरेज है और हमारा यहाँ हम जो रखते हैं शिरोमणि कोल्ड स्टोरेज पे। आपने शिरोमणि कोल्ड स्टोरेज पे लाए हैं? हाँ, 20 रुपए पैकेट। क्या सभी ज्योति है या पुकड़ा? सभी ज्योति है। सभी ज्योति। आपने इस साल खेती कितना जमीनों पे किया है? कैसे रखते हैं एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, आपने इस साल ज्योति आलू का खेती कितना पैकेट किया है? हम लोग 1.5 बीघा जमीन में रुपया है। आइडिया लग रहा है जो जल्दी आलू था वो आएगा 100 पैकेट। ज्योति आलू 1.5 बीघा किया है टोटल किया है। पोखराज का खेती नहीं किया? पोखराज हम लोग खेती करते नहीं है। अच्छा, ये जो शिरोमणि कोल्ड स्टोरेज पे हम इस वक्त खड़े हैं, इस शिरोमणि कोल्ड स्टोरेज पे आलू कब से रखना शुरू हुआ? 1 तारीख से पहले या 1 तारीख से? ना, कल से ही शुरू हुआ है। कल से शुरू हुआ है? हाँ, हम लोग को जो खबर मिला है कल से खुला है, तो आज हम आलू लेके आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे किसान लोग फिलहाल वर्तमान पे ज्यादा आलू रख रहा है कि व्यापारी? नहीं, आज के दिन पे किसान लोग कम रखता है, जो खाने का बीज के लिए रखता है वही रहता है, और बाकी लोग तो व्यापारी लोग रखता है। आप कोल्ड पे रख रहे हैं, कुछ आलू नहीं बेच रहे? ना, अभी तक बेचा नहीं है, कल से खुदाई शुरू करेगा तब बेचेंगे। सही रेट मिलेगा तो क्या आलू बेचेंगे या कोल्ड पे ही रख देंगे? नहीं, सही रेट मिलेगा तो हम बेच देंगे। सही रेट मिलेगा तो बेच देंगे? हाँ, हम बेच देंगे। हाँ। अच्छा, और आपकी टोटल क्षेत्र पे ये जो पिछेती आलू कोल्ड आलू है इसका खुदाई कितना परसेंट शुरू हुआ या फिर अभी नहीं शुरू हुआ? अभी 2% शुरू हुआ है, बाद में आज 7-10 दिन लगेगा फुल खुदाई करने में। अगर दिसंबर में बारिश नहीं होती तो करीब वो आलू का खुदाई अभी जोरदार से शुरू हो जाता है? हाँ, हो जाता है, जो बारिश के लिए तो नुकसान हो गया मेरे को। ये जो शिरोमणि कोल्ड है, शिरोमणि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का कैपेसिटी कितना पैकेट का है करे? वो लगभग 3 लाख पैकेट सुने हैं हम। 3 लाख पैकेट का कैपेसिटी है? हाँ। तो अभी तक काल कितना आमदनी था कोल्ड पे रखने का? वो काल जो हमको पता है वो 10,000 लगभग। काल 10,000 आपने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आमदनी था? हाँ जी। आज करीब कितना सुबह से आमदनी है? आज अप्रोक्स 3,000 लगभग चल रहा है। अप्रोक्सली अभी तक 3,000 चल रहा है वर्तमान? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आप लोग बताइए ये आलू मेनली इस वक्त यहाँ पे आप लोग रख रहे हैं, क्या उम्मीद लग रहा है कि आने वाले दिन पे और भी भाव बढ़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि बंगाल पे लोडिंग भाव करीब 600 रुपया से शुरू हो जाता है। हाँ, 600 रुपया शुरू हो जाता है, जब खुदाई ज्यादा ही चालू होगा तब कुछ घटने के लिए उम्मीद है।
कुछ बढ़ेगा आपको लगता है? हाँ, अच्छा, ज्योति का रेट आपने कितना बोला पहले? पहले तो 600 रुपया पैकेट मिला है। 600 रुपया ये हाँ। क्या सिर्फ आलू का भाव है या पैकेट लेवल? नहीं, वो सब सिर्फ आलू का रेट है। ये सिर्फ आलू का रेट, आलू का रेट है। और एक पैकेट आलू आप अगर आप नहीं बेचे हैं, लेकिन किसान भाई अगर खेत से आलू बेच रहा है तो सिर्फ आलू का भाव है 600 रुपया पैकेट। पैकेट ज्योति का, और वो आलू को पैकेट करके स्टोर लाने तक कितना रुपया प्रति पैकेट खर्चा होगा थोड़ा बताइए? 40 रुपया पैकेट लगेगा। किस किस पर्पस खर्चा होता है? लेबर है, पैकेट है, वो ट्रैक्टर है, उतारने के लिए लेबर का पैसा लगता है। अच्छा, पैकेट का प्राइस कितना होती है करीब? पैकेट वो 8.5-9 रुपया लेता है खाली। अच्छा, नया भरा आलू जो लोग खेत से उठा के पैकेटिंग करता है उसका प्राइस है? उसका ट्रैक्टर भी भाड़ा पड़ता है, और जो लोग ट्रैक्टर से आलू के यहाँ पे अनलोड करते हैं उसका भी पैसा लगता है। यहाँ पे तो हम लोग देख पा रहे हैं ये किसान सॉरी जो लेबर भाई साहब है वो लोग यहाँ से आलू अंदर चेंबर पे रख रहा है। चेंबर पे अंदर ट्रैक्टर से यहाँ पे रखा गया है। हाँ जी, और ये जो कोल्ड का जितना भी श्रमिक भाई है वो लोग अंदर रख रहा है। अंदर रख, हाँ जी। अच्छा, और एक तो जो दूसरा जो कोल्ड है आपके यहाँ पे उसका क्या स्थिति है? उसका एक ही स्थिति है, दोनों बगल बगल है। किसान लोगों को जहाँ जहाँ पसंद रखता है वही रखता है। हमने देखा कि आपकी जयपुर इलाके में या फिर जयपुर गांव पे पोखरा जालू का खेती ज्यादा होती है, खास करके वो दारकेश्वर नदी की किनारे। हाँ, नदी का किनारे पे पोखरा जालू। जब आगे थे आलू टूटने का सीजन था, जब क्या पोखरा जालू का खेती खुदाई ज्यादा नहीं हुआ था? नहीं, उस टाइम खुदाई हुआ था, अभी जो लेट में रोपाई हुआ था वो उस स्टोर में भर्ती कर रहा है। अच्छा, अभी आलू का क्वालिटी कैसा दिख रहा है आप लोगों को? आलू का क्वालिटी इंशाल्लाह अच्छा ही है, जो पहले रोपा था बारिश का पहले वो अच्छा क्वालिटी आता है। तो बढ़िया क्वालिटी का लग रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, साइज भी काफी बढ़िया दिख रहा है। साइज बहुत बढ़िया है। एक पैकेट खोल के नहीं दिखाएंगे? हाँ, खोल के देख। हाँ, खोल के। हाँ, पॉसिबल है जी। चलिए ना, एक पैकेट खोल के देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल आपकी ये जो शिरोमणि या फिर जयगुरु जितना भी दोनों फूल्ड है, हाँ, क्या फूल हो पाएगा? नहीं नहीं, कैपेसिटी का तरफ होगा नहीं। हमारा जो आइडिया लग रहा है कैपेसिटी तरफ होगा नहीं, फूल नहीं होगा, नहीं होगा, कम होगा। इन दोनों कोल्ड की आप बात कर रहे हैं? इन दोनों कोल्ड को भी वही पता चलता है, वो लोग भी बोलता है जो इन साल फूल नहीं कर पाएंगे। आप मैंने पर्सनली क्या करते हैं, खेती बाड़ी को छोड़ के व्यापारी तो नहीं है? नहीं, व्यापारी नहीं है, या टेम्पोरारी में स्टोर में थोड़ा मोड़ा काम करता है जो दिन मिलता है। स्टोर पे काम करते हैं आप? यहाँ पे आपकी घर है? आपका घर कहाँ है? घर है राइसोल हॉस्पिटल मोड़ में है, बांकुड़ा जिले का बगल में। पुलिस स्टेशन के अंदर ही आपका? हाँ, घर। तो अभी आप लोगों का इलाके में किसान भाइयों का कहना क्या है? सभी किसान भाइयों से बात करके क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिन पे भाव बढ़ेगा? आप अगर वो कोल्ड पे रखेगा क्या लगता है? किसान लोगों को आइडिया चल रहा है जो आने वाला दिन पे थोड़ा भाव बढ़ेगा उसी टाइम हम लोग बेच देंगे, और जब भाव घट जाएगा वो हम स्टोर में अंदर कर देंगे। अंदर नहीं करेंगे? अंदर नहीं करेंगे। ओके, तो क्या वार्ता देना चाहेंगे हमारी चैनल के माध्यम हमारी सभी किसान भाइयों को, जो लोग यूपी से देख रहा है, पंजाब, पूरे भारत का जहां से भी क्षेत्र से भी वो लोग देख रहा है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको क्या बोलना है, जो आलू अच्छा भाव मिलेगा तो उसको किसान लोगों का तरफ से हम बता देना है, जो अच्छा भाव मिल जाता है तो बेच देना चाहिए। आलू उठाओ ना, दूसरा आलू उठाओ, हाथ में उठाओ, इधर आइए। बड़ा बड़ा आलू, ये तो बढ़िया क्वालिटी वाला आलू दिख रहा है वर्तमान पे, दिखाइए ना थोड़ा हमें। वाओ, अमेजिंग। ये ज्योति है? ज्योति, ये सब ज्योति है। थोड़ा पेड़ कच्चा है इसीलिए छिला कर रहा है। छिला, और ये पेमिली फट क्यों रहा है यहाँ पे? वो फट, वो कोई पानी ज्यादा, कोई इसी, ये इसका होने का मेनली रीजन क्या है? ये सब फट है, कटपीस बोलता है, उसको छांट देना चाहिए था। लेबर तो इन साल इस तरफ ज्यादा मिलता नहीं, बढ़िया से छांटा नहीं होता है। ये दो चार पीस आ जाता है। अच्छा, तो इधर आइए सभी, रुकिए वही पे, रुकिए बंगाली में भी एक लेंगे, वही ऐसा रखिए, वही भी रखो, बांग्लादेश रखो, वही भी रखो, वही रखो। तो थैंक यू सभी को हमारे इंडिया पोटेटो की ओर से, आपकी जयपुर इलाके की आलू का बारे में तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाया पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा जिले का जयपुर इलाके का शिरोमणि कोल्ड का आलू का वर्तमान स्थिति, आलू का भाव, और साथ में हम देख रहे हैं आलू का सैंपल भी। दोस्तों आज का रिपोर्ट कैसा लगा वीडियो पे कमेंट पे बताइए ज़रूर, और ऐसे ही वीडियो हर रोज़ देखने के लिए, बंगाल की आलू के बारे में तमाम जानकारी हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को क्लिक करके ऑल कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को धूमधाम से शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय किसान।